हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमत्त वीर पुत्र हो ये दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंत है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकिन्न दिव्य साहसी, सपूत मात्र भूमि के रुको न सूर साहसी। रात सैन्य सिंधु में सुबाब आग्नी से जलो, प्रवीर हो जय बलो बड़े चलो बड़े चलो। नमस्कार साथियों, मैं गोविंददास और आज आपके लिए लेकर आया हूं पूर्व मध्य काल के अंतर्गत एक नया अध्याय। दोस्तों, हमने ये आपका दूसरा भाग है। उससे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप कमेंट्स करके मुझे बताएं क्या आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है अथवा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, वरना कुछ और स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं आपको वीडियो दिख सके इसे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला वंश है गुज्जर प्रतिहार वंश। दोस्तों, हम जानते हैं कि कीराड़ू अभिलेख या फिर गुरु वशिष्ठ के द्वारा जो मोंटापू में जो यज्ञ किया गया था आपू यज्ञ, उसमें चार जातियों की उत्पत्ति हुई थी। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। दो प दो च, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। दोस्तों, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था गुज्जर प्रतिहार वंश। ये सबसे ताकतवर वंश था। और इसको करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसके बारे में हमें जानकारी किस किस स्रोत से मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है जो कि 632 ईस्वी का है, रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था, जिसमें दोस्तों हर्षवर्धन को सकल उत्तरापत कहा गया, अर्थात समस्त उत्तर भारत का सम्राट घोषित किया गया है उसके अंतर्गत। और कहा गया है कि हर्षवर्धन के रथ को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रोक दिया गया। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा वो रथ रोक दिया गया था। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में वर्णन मिलता है सबसे पहले गुज्जर प्रतिहार वंश का। गुज्जर प्रतिहार वंश दोस्तों चार राजपूत जातियों में सबसे मजबूत और ताकतवर जाति थी। ये राजपूत जाति थी गुज्जर प्रतिहार वंश और अग्निकुंड से उत्पन्न चार जातियों में। इसका पहला उल्लेख मिलता है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा का अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, जिसका सन है दोस्तों 632 ईस्वी और ये लिखा गया था दोस्तों रवि कीर्ति के द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है। दोस्तों, मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति तथा मिहिर भोज की दौलतपुर अभिलेख, इनमें भी दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है, दौलतपुर अभिलेख और ग्वालियर प्रशस्ति। राजकुश नरेश अमोघ वर्ष के संजन ताम पत्र में गुज्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख मिलता है। अरब यात्री सुलेमान मिहिर भोज के समय आया था, जबकि दोस्तों अल मसूदी महिपाल प्रथम के समय आया था और अन्य गुज्जर प्रतिहार शासकों के समय आया था अबू जे, और अंतिम में मोहम्मद गजनवी आया था जिन्होंने दोस्तों तिलोचन राज्यपाल और उसके पुत्र तिलोचन पाल को परास्त किया था, ठीक है। तो ये जानकारी हमें मिलती है गुज्जर प्रतिहार वंश के द्वारा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस उसको रिविजन करेंगे। अग्निकुंड में जो चार राजपूत जातियां पैदा हुई थी उनमें सबसे पहले इंपोर्टेंट जो राजपूत जाति थी वो थे गुज्जर प्रतिहार, ठीक है। दोस्तों, गुज्जर प्रतिहार के बारे में सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऐहोल अभिलेख के, जो कि किसका है, पुलकेशिन द्वितीय का। इसने लिखा 632 ईस्वी में रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। दोस्तों, इसमें सकला उत्तरपद कहा गया हर्षवर्धन को, एक इंपोर्टेंट बात जो कि अलग है, ठीक है। अब उसके अलावा आपके मीर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति तथा दौलतपुर अभिलेख, इसके बाद में राजपूत नरेश अमोघ वर्ष का संजनताम पत्र, इसके साथ ही अरब यात्री सुलेमान और अल मसूदी। अरब यात्री सुलेमान आया मीर भोज के समय, अल मसूदी आया महिपाल प्रथम के समय, अबू जेद आया अन्य उत्तरोत्तर जो आपके गुज्जर प्रतिहार शासक हुए थे उनके समय, और मोहम्मद गजनवी ने तिलोचक पाल और राज्यपाल को परास्त किया था, ठीक है। और अंतिम शासक था वो हम देख लेंगे दोस्तों यशपाल, ठीक है आपके, ठीक है। सबसे पहले आता है गुज्जर शासकों में दोस्तों हरिश्चंद्र, ये हरिश्चंद्र था वो संस्थापक था। उसके बाद में आता है नागवरपट्टनम, ये प्रथम महत्वपूर्ण शासक है, ये इंपॉर्टेंट है। संस्थापक हरिश्चंद्र, नागवरपट्टनम प्रथम महत्वपूर्ण शासक है जिसे दोस्तों
मीर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में मल्लेचो का नाशक बोला गया ग्वालियर प्रशस्ति में, क्योंकि इस नागपुर प्रथम ने अरबों के आक्रमण को विफल किया था, इसलिए इसे मीर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में नागपुर प्रथम को मल्लेचो का नाशक कहा गया तथा इसी नागपुर ये ग्वालियर प्रशस्ति में प्रत्यारोह को लक्ष्मण का वंशज बताया गया। वत्सराज इसका वास्तविक संस्थापक है, ये काफी इंपोर्टेंट है, गुजर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक वत्सराज है। और इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, धर्मपाल को, पाल शासक धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में वत्सराज ने हराया था, ठीक है, और गद्दी पर बैठाया था दोस्तों इंदिरा युद्ध को कन्नौज की गद्दी पर, और इसको पराजित किया था राष्ट्रकूट शासक ध्रुव। इंपोर्टेंट बात क्या है कि वत्सराज गुजर प्रतिहार वंश का पहला ऐसा शासक है जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष को आरंभ किया था, ठीक है दोस्तों, ये वत्सराज त्रिपक्षीय संघर्ष को आरंभ करने वाला। इसका पुत्र हुआ था नागभट्टदित्य, नागभट्टदित्य ने कन्नौज को जीतकर उसको अपनी राजधानी बना दी थी। और मीर भोज के समय दोस्तों सुलेमान यात्री आया था, और मीर भोज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष में मीर भोज की जीत हो चुकी थी, गुज्जर प्रतिहार वंश एक रूप से कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित कर चुका। उसके बाद में मीर भोज का पुत्र आता है दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम, और महेंद्रपाल प्रथम के साथ आता है महिपाल, और महिपाल के समय अल मसूदी आया था, और महिपाल प्रथम के बाद में राज्यपाल और त्रिलोचनपाल, उसके बाद में अंतिम शासक आता है दोस्तों यशपाल। ये अंतिम शासक था 1036 ईस्वी में। वापस एक बार देखते हैं, हरिचंद्र नागपुर प्रथम वत्सराज नागपुर मीर भोज महेंद्रपाल महिपाल, मीर भोज महेंद्रपाल और महिपाल प्रथम, राज्यपाल त्रिलोचनपाल और यशपाल, ठीक है दोस्तों, ये अपन देख चुके हैं। राज्यपाल आया था अल मसूदी, ये आक्रमणकारी था, ये अरब यात्री था, और ये अरब यात्री था, इसको याद करने के ठीक है। सलमान खान आया तो हमने महान भोज दिया, आपके घर पे सलमान खान आएगा तो आप क्या करोगे, बहुत बेहतरीन उसको खाना खिलाओगे, तो महान भोज आया, सलमान महान भोज दिया सलमान खान को, ऐसे अपन याद कर सकते हैं। अब ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं गुज्जर प्रतिहार की, मजे की बात देखिए आप, गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूटों के सामंत थे, जबकि राष्ट्रकूट खुद सामंत पे वातापी के चालुक्य थे। मजे की बात देखिए, वातापी के चालुक्य राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूटों के सामंत गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहारों के सामंत गुजरात के चालुक्य, जिजा भूटी के चंदेर, ग्वालियर के कच्छपगार, मालवा के परमार, सांबर के चौहान और डाल के कलचुगे, ये सब गुज्जर प्रतिहारों के सामंत है। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रकूट शासक का दंती दूर, ठीक है, ये पहली बार स्वतंत्र हुआ था, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना इस तरह दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। दंती दुर्ग ने दोस्तों एक हिरण्य गर्भ दान यज्ञ किया था, उस यज्ञ में दोस्तों हरिचंद्र को, उस अवंती उज्जैन में हरिचंद्र को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया था, और उसको नाम दिया प्रतिहार, प्रतिहार का मतलब होता है दोस्तों प्रतिहार, द्वारपाल। तो दंती दुर्ग ने एक हिरण्य गर्भ दान यज्ञ किया था और राजा हरिचंद्र को वहां पर नियुक्त किया था, ठीक है, इस कारण से आपको राष्ट्रकूटों के सामंत कहलाए गुज्जर प्रतिहार। उसके बाद में दोस्तों वत्सराज ने, इसका वास्तविक संस्थापक है, इसने खुद को राष्ट्रकूटों से पृथक कर दिया। गुज्जर प्रतिहारों की दो शाखा थी, उसका हम बाद में उल्लेख करेंगे। गुज्जर प्रतिहार की पहली शाखा तो थी दोस्तों मंडोर में, और दूसरी शाखा थी भीमास में, ठीक है दोस्तों। तो ये राष्ट्रकूट के सामंत थे गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट के शासक दंती दुर्ग ने हिरण्य गर्भ दान यज्ञ किया था, जिसमें गुज्जर प्रतिहार को द्वारपाल के रूप में स्थापित किया था अवंती यानी उज्जैन, ठीक है दोस्तों। अब ये उल्लेख हमें मिलता है अमोघ वर्ष के संजन ताम पत्र में, अमोघ वर्ष के संजन ताम पत्र में ये हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों। गुजरात के चालुक्य इसके, ठीक है, ये गुजरात के चालुक्य, ये गुजरात के चालुक्य गुज्जर प्रतिहारों के आपके सामंत है, जेजा भूटी के चंदेल, ठीक है, ये चंदेल, ग्वालियर, ये ग्वालियर के कच्छपगा, ये मालवा के परमार, ये सांबर के चौहान, और ये डाहल के कलचुरी, ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या है इसके सामंत है। अब गुज्जर प्रतिहारों का प्रथम केंद्र दोस्तों मंडोर था, मंडोर से ये उज्जैन चले गए, उज्जैन यहां प्रतिहार वंश की स्थापना हुई, और इसकी स्थापना की हरिचंद्र के द्वारा, जो इसका संस्थापक था दोस्तों हरिचंद्र, लेकिन वास्तविक संस्थापक वत्सराज है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में कन्नौज को राजधानी बनाया था नागभट्टदित्य के द्वारा। अब देखिए दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के द्वारा स्थापना की गई थी और प्रथम शासक था, महत्वपूर्ण शासक था नागपत प्रथम, जिसका काल है 730 से 756 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसने अरबों के आक्रमण को विफल बनाया था, इसलिए मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में से मल्ले छोका नाशक कहा गया। इसके साथ ही दोस्तों ग्वालियर प्रशस्ति में लक्ष्मण का वंशज बताया गया है हथियारों को। उसके बाद में नागवर प्रथम के बाद में आता है वत्सराज, वत्सराज 783 से 795 ईस्वी तक उसने राज किया था। ये दोस्तों गुज्जर हथियारों का वास्तविक संस्थापक है, ये पहला ऐसा शासक है जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष को आरंभ किया था और गुज्जर हथियार दिल्ली के शासक थे दोस्तों, दिल्ली में उस समय राज कर रहा था इंदिरा युद्ध, तो इंदिरा युद्ध को उसने परास्त किया था और उसको वहां से हटा दिया था, फिर उसको खुद की अधीनता स्वीकार करके वापस वहां पर उसको बैठा दिया इंदिरा युद्ध को। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, धर्मपाल को दोस्तों उसने मुंगेर के युद्ध में पराजित किया था, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम से वो पराजित हो गया था। उसके बाद में ध्रुव प्रथम वापस महाराष्ट्र में चला गया था। ठीक है, अब आता है दोस्तों नागवर द्वितीय, 795 से 833 के बीच में नागवर द्वितीय आया था, ये प्रतापी शासक था, इसने कन्नौज पर अधिकार करके उसको अपनी राजधानी बना दिया था। राष्ट्र शासक गोविंद द्वितीय के द्वारा इसको हराया गया था। ठीक है दोस्तों, ग्वालियर प्रशस्ति में तुरुस्कों को, मुसलमानों को नागवर द्वितीय ने हराया था। एक तो मुसलमानों को नागवर द्वितीय ने हराया और दूसरा दोस्तों नागवर प्रथम ने हराया, नागवर प्रथम ने भी मुसलमानों को हराया, इसलिए उसका ग्वालियर प्रशस्ति में उसको मल्ले छोका नाशक किया गया। नागवर द्वितीय में भी उसने तुरुस्कों को हराया और ये भी बात बोली गई है ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है, नागवर प्रथम और नागवर द्वितीय दोनों मल्ले छोका नाशक करेंगे मल्ले, और यहाँ पर बोला गया तुरुस्क मुसलमानों को ग्वालियर इसके नागवर द्वितीय को के लिए। ठीक है दोस्तों, नागवर द्वितीय ने तुरुस्क को मतलब मुसलमानों को हराया था, तो ये एक उल्लेख मिलता है ग्वालियर प्रशस्ति में, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। और आप जानते हो दोस्तों कि जो चंदेल है वो चंदेल तुरुस्क दंड लगाएंगे अरब व्यापारियों के ऊपर। ठीक है दोस्तों, मीर भोज ये सबसे प्रतापी शासक है गुज्जर हथियार वंश का, इसका समय है दोस्तों 836 से 885 ईस्वी तक। इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है सुलेमान, अरब यात्री सुलेमान इस 9वीं शताब्दी में मीर भोज के समय आया था, और ये इसे इस्लाम का शत्रु कहता है, ये कहता है इसके शासन काल में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें सोना चांदी और हीरे मोती भरे हुए पड़े हैं। ठीक है, और इसके पास विश्व की पूरे भारत की सर्वश्रेष्ठ अश्व सेना, इसको मीर भोज को देवपाल, पाल शासक देवपाल और राजपूत शासक ध्रुव इसको पराजित करता है मीर भोज को। वैष्णव धर्म का ये अनुरायी था, इसने आदि वरा नाम एक सिक्का चलाया था। ठीक है, और उपाधि भी धारण की थी, इसके साथ ही दोस्तों प्रभास नाम उपाधि भी इसने धारण की थी, जिसका उल्लेख मिलता है दौलतपुर अभिलेख में। ठीक है दोस्तों, तो दौलतपुर अभिलेख किससे रिलेटेड है, मीर भोज से रिलेटेड है, गुज्जर हथियार वंश से, ये भी इंपॉर्टेंट है। आदिवरा उपाधि और प्रभास उपाधि किसकी थी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वैष्णव धर्म का अनुयायी आदिवरा द्रुम सिक्का चलाया जिसका नाम है आदिवरा द्रुम, उसके दूसरी साइड दोस्तों वरा की आकृति खुदी हुई है। इसके साथ ही 893 ईस्वी में एक अभिलेख प्राप्त होता है 893 ईस्वी का, जिसमें दोस्तों एक दंडपाशिक नामक एक अधिकारी का उल्लेख है जो पुलिस कर्मचारी होता था, दंडपाशिक। इसके पास पूरे भारत की सर्वश्रेष्ठ अश्व सेना थी। ठीक है दोस्तों, हरिश्चंद्र, नागवर प्रथम, वत्सराज, नागवर द्वितीय और मीर भोज, इतना हम देख चुके हैं। अब आते हैं दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम का काल था 885 से 910 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद में राजगुरु थे राजशेखर, राजशेखर ने दोस्तों 6 किताबें लिखी थी आपके 7 किताबें, 4 तो थे नाटक और 3 थे दोस्तों काव्य ग्रंथ, जिसमें से 4 नाटक है कपूर मंजरी। ठीक है, ये कपूर मंजरी दोस्तों प्राकृत भाषा में लिखी गई, उसके बाद में सब जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए, और ये कपूर मंजरी का निर्माण राजशेखर ने अपनी पत्नी के कहने पर किया था। कपूर मंजरी के बाद में बाल रामायण, उसके बाद में बाल भारत, बाल रामायण बाल महाभारत याद कर सकते हैं, बाल भारत है ये। ठीक है, कपूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, उसके बाद में विदुशाल भंजिका, ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 4 नाटक है तो इंपॉर्टेंट है, कपूर मंजरी और विदुशाल भंजिका। अब आते हैं दोस्तों इसके 3 काव्य ग्रंथ पे, सबसे महत्वपूर्ण है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा के बाद में हरविलास और भुवन कोश,
काव्य मीमांसा, हरविदास और भुवन कुश। इंपोर्टेंट बात यह है दोस्तों, महेंद्रपाल प्रथम का बेटा था दोस्तों महीपाल प्रथम। तो महेंद्रपाल प्रथम के राजगुरु भी थे राजशेखर और महीपाल प्रथम के भी राजगुरु थे राजशेखर। तो राजशेखर ने महेंद्रपाल को उपाधि दी थी रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि। महेंद्रपाल को तो महेंद्र को तो उपाधि दी रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि, जबकि महीपाल प्रथम को राजशेखर ने उपाधि दी थी रघुकुल मुक्ता मणि, रघुकुल मुक्ता मणि या रघुवंश मुकुट मणि, रघुकुल मुक्ता मणि या रघुकुल मुक्ता मणि। इसके साथ ही दोस्तों राजशेखर ने आर्यावर्त का राजा धीराज कहा है महीपाल प्रथम को। महीपाल प्रथम के समय अरब यात्री अल मसूदी जो कि बगदाद का रहने वाला था, इंपोर्टेंट बात है ठीक है, अल मसूदी महीपाल प्रथम के समय आया था जबकि सुलेमान मीर भोज के समय आया था ठीक है दोस्तों। महीपाल प्रथम को राजशेखर ने उपाधि दी थी रघुकुल मुक्ता मणि या रघुकुल मुकुट रघुवंश मुकुट मणि। उसके बाद दोस्तों महीपाल प्रथम के बाद में आना त्रिलोचन पाल, 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी इसको परास्त किया था, 1019 ईस्वी में राज्यपाल ने मोहम्मद गजनवी ने वापस आक्रमण करके इसको परास्त किया था। अंतिम शासक था यशपाल, 1036 ईस्वी में अंतिम ये गुज्जर पतियार शासक था। उसके बाद में दोस्तों ठीक है ये जो गुज्जर पतियार है वंश है वो समाप्त हो गया। उसके बाद में गुज्जर पतियार जो साम्राज्य है वो अनेक प्रांतीय सामंतों में विभाजित हो चुका था। तो दोस्तों हम ये देख चुके हैं गुज्जर पतियार वंश, अगले वीडियो में हम आपके सांबर के चौहान चंदेल, जेजागुप्ती के चंदेल एवं कच्छप गाद इन सभी वंश को लेकर आएंगे ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में हम देखते हैं अगले राजवंश प्रांतीय राजवंश, तब तक के लिए जय हिंद।